1% की मार्जिन है, 20.3% अब हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। इनफैक्ट अच्छी डील कन्वर्जन के बाद कंपनी की डॉलर आय लगभग 3.5% की ग्रोथ के साथ 460 करोड़ पर डॉलर पर रहने का अनुमान है, और साथ ही कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगभग 10.5% बढ़कर 5,920 करोड़ रुपए ये कंपनी मुनाफे के लिहाज से दर्ज कर सकती है। इंटरेस्टिंग दो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो जो गाइडेंस है 14-16% कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू टर्म्स में कंपनी अपनी गाइडेंस रिटेन कर सकती है, और 21-23% की जो इनके एबिट मार्जिन रही है उसकी भी हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि उसको रिटेन करती हुई दिखेगी, और बायबैक के अनाउंसमेंट पर तो हमारे फोकस है ही। तो ये ओवरऑल अगर आप सम अप करेंगे तो इंफोसिस के नंबर्स फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव रह सकते हैं। तो ये है आपके लिए इंफोसिस, मार्जिन थोड़ा हल्का सा सुधार दिखा सकते हैं, ये अच्छी बात है। ओवरऑल ग्रोथ भी देखते हैं और गाइडेंस, क्योंकि एचएल टेक की अच्छी आई है बट विप्रो की सुस्त आई है, तो इंफोसिस की गाइडेंस काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। बट एक और बात है जिसकी वजह से इंफोसिस के नतीजे फोकस में रहेंगे और वो है बायबैक। इस पर पहले भी बात चल रही थी, बायबैक आ सकता है। अरमान ने कुछ कैलकुलेशन भी की है। अरमान बताइए, पुराना ट्रेंड देखें तो इस बार का बायबैक कैसा रह सकता है इंफोसिस का? जी, हमारा अनुमान यह है कि जो इस बार का बायबैक है वो बायबैक हो सकता है, जो प्राइस आए वो 1740 से 1800 के आसपास का बायबैक का हो सकता है। अगर पिछली बार का ट्रेंड देखें तो हमेशा ऐसा देखा गया है कि जब ऐलान के दिन से अगर आप देखेंगे तो लगभग 18-21% प्रीमियम पर जो होता है कंपनी अपना बायबैक का भाव करती है, और लगभग जो उनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स है जो म्यूचुअल फंड करंट असेट्स में, उनका लगभग 36-40% जो देखा गया है कि वो कंपनी अपना बायबैक में उपयोग करती है। अगर मौजूदा अगर आप देखेंगे तो लगभग 22,000 करोड़ का इनका ये टोटल बनता है, उसके हिसाब से अगर आप 36-40% करें तो लगभग 8,000 करोड़ से 9,000 करोड़ का जो हो सकता है ये बायबैक हो। उसी के साथ साथ एक चीज़ इंटरेस्टिंग यहाँ पर देखने के लिए ये भी होगी कि अगर जैसे कि प्रीवियस अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो 3 बायबैक हो चुके हैं 2017 में, 19 में और 21 में। 2017 वाला जो बायबैक था वो तो टेंडर रूट के जरिए था, पर लास्ट के जो दो बायबैक हैं वो ओपन मार्केट के जरिए हैं, तो हो सकता है कि ये वाला जो बायबैक है वो भी ओपन मार्केट के लिए हो। और एक और उसी के साथ साथ जो भी नया बायबैक का प्राइस आता है वो पहले बायबैक का जो प्राइस आया उससे बढ़कर आता है, तो पहला 1150 था, फिर उसके बाद 1600 आया, फिर 1750 आया, तो हो सकता है कि ये शायद 1800 के आसपास या उससे ऊपर भी हो सकता है बायबैक का भाव। कम से कम बायबैक के केस में तो कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, ये आप कह सकते हैं। नहीं, कंपनी बिल्कुल प्रोग्रेस कर रही है। इंफोसिस ये तो ऐसी कंपनी है जो वाकई में लगातार शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करती आई है, तो अब देखते हैं किस तरह से बायबैक आता है। लेकिन हमारा अंदाजा ये है 1740 से 1800 की रेंज में रहना चाहिए। पिछला वाला कितना बताया, 1750, तो उससे तो नीचे नहीं होना चाहिए। सर बिल्कुल ठीक बात है, लेट्स सी कहाँ आता है। लेकिन और इसके अलावा रिजल्ट्स पर भी रहेगी नजर, तो इंफोसिस से आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग। लेकिन आजकल इसमें इशू वही है, ओपन मार्केट परचेज वाला होगा लाइकली वही है, क्योंकि पिछले दो लगातार उसी तरीके से हो रहे हैं। ओपन मार्केट परचेस वाले में बायबैक में आप प्राइस भले आगे की रखो, क्या फर्क पड़ता है, मजा नहीं आता भाई। अगर आप 1800 बोलोगे 1800 तक खरीदेंगे भाव, तो 1450 चाहिए जितना लो, एक दिन में खत्म हो जाए। सर्किट मार्केट ले लो पूरा जितना चाहिए, एग्जैक्टली एक दिन में बायबैक ओवर हो जाए, एक दिन दो दिन कहने का मतलब। तो टेंडर ऑफर हो ना जी सर, इन्वेस्टर्स को तो तभी फायदा है, रिटेल होल्डर्स को। लेकिन उसमें एक चीज और भी है दीप, टेंडर ऑफर वाले में एक मामला है कि कई बार है ना जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं वो भी आ जाते हैं उसका फायदा लेने। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने अगर किसी को 5 साल के लिए इन्फोसिस रखना है तो उसके लिए ओपन टेंडर ऑफर हो या ओपन मार्केट परचेज हो, अल्टीमेटली ओपन मार्केट परचेज में भी शेयर के तो वैल्यू बढ़नी है बचे हुए शेयरों के, तो उनके लिए तो इनडायरेक्टली बेनिफिट होता ही होता है। उल्टा बल्कि कई बार ये कि जब टेंडर ऑफर होता है तो लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके अपना दिमाग लगा के शॉर्ट टर्म लोग भी पैसा, दोनों के अपने फायदे दोनों के अपने नुकसान है जी। ठीक है आइए करें।